मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 8 के लिए एक टॉपिक हम लेके चल रहे थे इससे पहले वीडियो में, एडजेक्टिव की डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्री, तो एडजेक्टिव तो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका था। एडजेक्टिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव जिसकी हिंदी विशेषण होती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव जो है इसकी डिग्री क्या है। डिग्री, तो डिग्री का मतलब होता है हमारा अवस्था। पहले से शब्द को देखेंगे, डिग्री का अर्थ होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। अब अवस्था कैसी अवस्था? अवस्था हर किसी चीज की होती है। यदि हम पानी की बात लेकर चले तो पानी भी हमारा तीन अवस्थाओं में, तीन रूपों में मिलता है। पानी द्रव के रूप में मिलता है, ठोस के रूप में मिलता है और गैस के रूप में भी, जब भाप बनता है तो गैस के रूप में भी मिलता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी भी अपनी तीन अवस्थाएं हैं। इसकी तीन अवस्थाएं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण, विशेषण विशेषण। तो विशेषण की जब हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है। तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तीन डिग्री हमारी होगी। तो सबसे पहले भी एक वीडियो एडजेक्टिव बनाई गई थी, कुछ बच्चों ने कहा कि सर एडजेक्टिव कम से कम आया, तो फिर एक वीडियो एडजेक्टिव बनाई जा रही है। तो मैंने भी आपको बताया कि एडजेक्टिव जो हमारा विशेषण होता है इसकी तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमें इन्हें समझना कि क्या होती है। तो पहले आप लोग समझेंगे पॉजिटिव डिग्री है क्या। पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं मूल अवस्था, मूल अवस्था। अब ये है क्या, आप समझेंगे किस तरह से। ठीक है, जहां जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताया जाए, को बताया जाए तो पॉजिटिव डिग्री होती है। इसमें गुण के साथ साथ तुम्हारा दोष भी हो सकता है। क्या? ये तुम्हारा दोष भी हो सकता है, यानी गुण के बारे में बताया जाए या फिर दोष के बारे में बताया जाए। बात ये नहीं कि गुण के बारे में बताएंगे दोष के बारे में बता सकते। तो चूंकि विशेषता तो चाहे वो किसी भी तरह से है, अवगुणों की है या गुणों की है, आपकी दोनों ही मानी जाएंगी इसमें। तो कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ, कैसे हम देखते थे कि पहला सेंटेंस है कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय सेंटेंस है लिखा हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहां आप सबसे पहले देखेंगे नाउन क्या है। तो नाउन हमारा लड़का है। नाउन क्या हमारा? लड़का। इस लड़के की विशेषता बता रहा है सब जो है गुड। तो ये गुड हमारी होगी पॉजिटिव डिग्री। क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। और भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सी इज क्या है? सी इज अ ब्यूटीफुल